सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो आज मैं जा रहा हूँ हेमकुंड कल्लारी, जो रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर है, और उसके बाद जाऊँगा चंडी माता, वहाँ भानु माता है दर्शन के लिए। तो आज का दिन बहुत ही एडवेंचर होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। तो दोस्तों, आ रहा हूँ अभी, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर और है, तो मैं ज़्यादा रोड के वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी देर से रुका था, तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूँ। आप राजधानी रायपुर से, मतलब घड़ी चौक से आपको सीधे सीधे आना है, तो सबसे पहले मंदिर हसद पहुँचेंगे, और मंदिर हसद से होते हुए आपको पहुँचना है आरंग। तो उसका क्या पेट्रोल लीकेज हो गया था, तो पेट्रोल लीकेज को सही करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, और उस पर अभी MC लगाए हैं, और MC लगाने के बाद थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब सूखे। आपको दिखाता हूँ मैं अपनी मोटरसाइकिल को, ये देखिए मेरी मोटरसाइकिल, उसका टंकी लीकेज हो गया है, वहाँ पर MC लगाए हैं हमने, अभी इसका सूखने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं हूँ आरंग के पास। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ आरंग, और जब बाएँ मुड़ के हमें आरंग जाना है, लेकिन हमें आरंग नहीं जाना है, हमें निकलना है महासमुंद की ओर, और महासमुंद की ओर के लिए हमें यहाँ से सीधे निकलना है, यहाँ दाहिने ओर से जाना है महासमुंद की ओर। तो आप लोग बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं नदी के पास हूँ, और नदी में तो अभी पानी नहीं है, आप ये देख सकते हैं नदी का नज़ारा। और यहाँ पास में ही फलों की दुकानें हैं, यदि आप चाहें तो यहाँ से फल ख़रीद सकते हैं, और बहुत से लोग यहाँ रुके हुए हैं और फल ख़रीद रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पुल से होते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, महासमुंद जाने के लिए हमें यहीं से बाईं ओर मुड़ना है, ये देख सकते हैं गाड़ी लिखा हुआ है, और इस ओवरब्रिज से हमें नीचे जाना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा आपको सीधे नहीं जाना है, आपको यहाँ से वहीं ओर से नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद दाहिने की ओर मुड़ना है, और फिर वहाँ से निकलेंगे हम महासमुंद। दोस्तों, लगभग हम
खल्लारी माता के मंदिर के समीप पहुंच गए हैं। आप ये देख सकते हैं, वो है खल्लारी माता का मंदिर और काफ़ी ऊंचा में है। और मैं अभी रास्ते पर ही रुका हूं, तो मैंने सोचा चलो यहां से आपको खल्लारी माता का जो मंदिर है उसका व्यूज दिखा दूं। दोस्तों देखिए वो डोंगा पत्थर, मैं नीचे से इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और उसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। और यहीं पर से ही आप ये मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए मंदिर, और अभी मैंने अपने कैमरे से इसको जूमिंग करके लिया है और अभी इसकी एक्चुअल स्थिति आपको दिखाता हूँ कि मैं उससे कितनी दूरी पर हूँ। तो दोस्तों अभी मैं खल्लारी माता के मंदिर के समीप पहुँच गया हूँ और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी मोटरसाइकिल पार्क हुई है, तो मैंने भी अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पर पार्क कर दी है। आपको दिखाता हूँ मैंने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ रखी है। ये देखिए मेरी मोटरसाइकिल यहीं रखी है और हम चलेंगे खल्लारी माता के दर्शन के लिए। नवरात्रि के समय तो मैं आया था यहाँ, लेकिन कोरोना के चलते मंदिर जाने नहीं दिया गया था, तो हम नीचे से ही नारियल चढ़ाए थे और वापस चले गए थे। तो आज मैं आया हूँ माता के दर्शन के लिए, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर, आपको मैं खल्लारी माता के दर्शन करवाता हूँ। चलिए दोस्तों फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। अब ये पहुँच चुके हैं 348, 350, 352, 356, 357, 363 पर। देखिए खिलौने का स्टॉल लगा है यहाँ पर, कुछ बच्चे यहाँ पर थक गए हैं और बैठ गए हैं। तो लगभग 400 सीढ़ी है ऊपर और 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही एकदम सांस फूल गई है, तो यहीं पर थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रुक गए हैं। दोस्तों ऊपर लगभग 840 सीढ़ी है और हम लोग अभी पहुँचे हैं 496, 501, 502, अभी तो लगभग 340 सीढ़ी और चढ़ना है ऊपर। यहाँ की चढ़ाई काफी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ाई काफी खड़ी है, लोग फिर चलते हैं फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक रहे हैं। जय माता दी। चलिए दोस्तों अपनी चढ़ाई फिर शुरू करते हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं 635, 36, 640, 43। लोग फिर चल रहे हैं, फिर थोड़ा थक जाते हैं फिर रुक रहे हैं, ऐसी चढ़ाई चढ़ते हैं। जय माता दी। दोस्तों अब हम मंदिर के लगभग समीप पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ की चढ़ाई थोड़ी सी ठीक है, बाजू ले लिया। दोस्तों भीम का पैर देखने के लिए हमें यहीं से जाना है, तो माता के दर्शन के लिए हमने चप्पल जूते यहीं रख दिए हैं। चाहे तो आप यहाँ से नारियल परचेस कर सकते हैं, हमने तो नारियल नीचे से ही खरीद लिया था। अब चलते हैं माता के दर्शन के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं 664 लगभग हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं। जय माता दी। चलिए अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं 817, 18 और यहाँ पर सूचना है माता जी का भोग लगने का समय सुबह 11 से 12 बजे तक मंदिर का पट बंद रहेगा। चलिए चलते हैं।
अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। 835 38 40। जय माँ खिलाड़ी, जय माता। ये मंदिर के पास से आप देख सकते हैं खलारी का संपूर्ण दर्शन। पेड़ जो कि बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, घर भी बहुत छोटे दिख रहे हैं। हरी देवी, जय भवानी माँ। जय माँ खल्लारी, सभी की मनोकामना पूर्ण करना माँ, जो भी गलती हुई क्षमा करना माँ, करोना काल से सबको मुक्ति दो माँ। जय भवानी माँ। दोस्तों यहाँ से भीम चूल्हा जाने का रास्ता है और माँ दंतेश्वरी गुफा भी है, शेर गुफा भी है, भीम का पांव भी है, भीम चूल है, डोंगा पत्थर है, तो यहीं से जाना है। और ये देख सकते हैं ये रास्ता कितना सकरा है। तो चलिए दोस्तों यहीं से चलते हैं, ये रास्ता काफ़ी सकरा है, तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रास्ता कितना काफ़ी सकरा है। चलिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो एक पेड़ है और पेड़ पर शेषनाग का जो फन रहता है उसकी आकृति बनी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए वो शेषनाग का फन बना हुआ है और ये पेड़ की शाखा से बना है, आप ही देखिए। ये रास्ता काफी सकरा है, तो चलिए चलते हैं। अब हम देखेंगे भीम के पैर का निशान और भीम का चूल्हा भी है और डोंगा पत्थर है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे। इधर है, वही पूछ रहा था, फिर वापस आएंगे तो फिर। चलो चलो चलते चलो ना, कहते थे अब दीने हम ही नहीं जाना। ये माँ दंतेश्वरी, यहाँ का गुफा काफी सकरा है, हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे सोच रहे हैं। ये रास्ता काफी सकरा है और यहीं से होके जाना है। और जय माँ खल्लारी, जय माता दी। चलिए अब यहाँ से हमको ईश्वर जाना है, इस रास्ते में थोड़ा संभल के चलिएगा यदि आप आते हैं तो। तो ये रास्ता तो काफी ऊबड़ खाबड़ है, ये शेर का गुफा है लेकिन फिलहाल अभी शेर तो नहीं है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं शेर यहाँ आता रहा होगा, आइए अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर शेर तो नहीं है लेकिन जरूर पहले शेर यहाँ आता रहा होगा।
तो ये है भीम का पैर का निशान, और अपने पैर से कंपेयर करता हूँ मैं तो, मेरा पैर तो कुछ नहीं है सामने। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा भीम का पैर का निशान, ये देखिए, ये तो काफ़ी बड़ा निशान है, और इस पैर का निशान को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि भीम का आकृति या भीम का आकार कैसा रहा होगा। और देखिए यहाँ पर ये भीम का चूल लिखा है, भीम का चूल्हा यही है, और एक वहाँ पे भी है ना, तो हाँ ये भीम चूल्हा होगा। ये क्या भीम चूल्हा है, इसमें आग आग जलाते थे? अरे नहीं बेटा, खाना वाना बनाए नहीं थे। भीम अपना खाना स्वयं बनाते थे, उनका खुराक बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये भीम अपना खाना अलग से बनाते थे। ये यहाँ पर भी है चूल्हा, यहाँ पर भी भीम चूल लिखा हुआ है, यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि रियल भीम चूल्हा कौन सा है। वहाँ पर भी भीम चूल्हा लिखा है, यहाँ पर भी भीम चूल लिखा हुआ है। अभी हम लोग डोंगा पत्थर देखने के लिए जा रहे हैं, और ये एरो यहीं से दिखा रहा है, तो एरो के मुताबिक ही चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर है डोंगा पत्थर, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ डोंगा पत्थर के पास, और ये मेरा कैमरा तो उल्टा दिखा रहा होगा, डोंगा पत्थर नहीं लिखा होगा, मैं इसको बैक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डोंगा पत्थर, और ये पत्थर जो है आप ये देख सकते हैं, ये दो छोटे पत्थर पर टिका है, और लगभग 15 साल पहले मैं यहाँ और आया था, और ये भी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, मतलब आप सोच सकते हो ये कितने समय से, मतलब भीम के समय से ये ऐसी टिका हुआ है, और कहते हैं कि इस पत्थर को भीम के द्वारा रखा गया है, और ये पत्थर कितना विशाल है आप देख सकते हैं, और भीम इसको कैसे उठाया होगा, और इस पत्थर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीम का ताकत कितना था। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, माता की तस्वीर और यहाँ माता का प्रसाद दे रहे हैं, तो हम भी यहाँ से माता का प्रसाद ले लेते हैं। दे दो बेटा, कौन कौन सा था प्रसाद, दे दो, कौन सा, 20 रुपये का दे दो पूरा, सभी में क्या, हाँ सभी दे दो। माता के दर्शन के बाद हम नीचे उतर रहे हैं, और जितना थकान था वो थकान सारे दूर हो गए हैं। आप आते हैं तो जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप इतना थकान महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप माता के दर्शन करेंगे, और माता के दर्शन करने के बाद आपकी सारे थकान सारी पीड़ा जो माता हर लेती है, तो यही माता का चमत्कार है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम नई जगह नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।